हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तृप्तिस रेसिपी। फ्रेंड्स, नॉर्मली मेरा वीडियो हमेशा किचन में बनता है, लेकिन आज मैं कुछ और नया लाई हूँ आपके लिए। एक्चुअली मुझे ये नाम ही बहुत ही अट्रैक्ट किया, जो नाम लिखा हुआ है लाइव खाखरा। फ्रेंड्स, खाखरा एंड लाइव, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नया है। मटको लाइव खाखरा यहाँ पे गांधीनगर में है, गांधीनगर कूड़ासन एरिया में, मेन मार्केट में उनका शॉप है, और उन्होंने स्टार्ट किया है लाइव खाखरा का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, भरत भाई दवे ने स्टार्ट किया है, नया स्टार्टअप है, तो एक बार ज़रूर देखेंगे और एक बार उनसे ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये उनकी दुकान है और ऊपर मस्त येलो कलर का बोर्ड है, मटकू लाइव खाखरा। उनका नाम भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, मटकू लाइव खाखरा। और चलो अभी देखते हैं, उनकी शॉप में जाते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। मुझे भरत भाई की स्टोरी से बहुत ही इम्प्रेसिव लगा और बहुत ही अच्छा लगा है कि जो उन्होंने स्टार्टअप किया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि उनका स्टार्टअप कैसे हुआ है। तो आइए हम जाते हैं लाइव खाखरा की शॉप में, मटकू लाइव खाखरा की शॉप में। फ्रेंड्स, जैसे मुझे यहाँ के नाम ने अट्रैक्ट किया, मटकू लाइव खाखरा, वैसे ही मुझे ये दोनों पर्सनालिटी ने भी अट्रैक्ट किया है, इसीलिए मैं आज आपके साथ ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। भरत भाई दवे और हर्षाबेन दवे उनके धर्मपत्नी हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली 60 की एज में जब भी लोग रिटायर्ड होते हैं, लेकिन इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये कॉन्सेप्ट लाए हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे नया सा स्टार्टअप चालू किया है। तो फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं भरत भाई दवे से। हेलो भरत भाई। नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है मटकू लाइव खाखरा में। हम तहे दिल से हम दोनों आप सबका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू भरत भाई, थैंक यू हर्षाबेन। भरत भाई, मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, ये लाइव खाखरा का कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझ में आया, कैसे सूझा? मैडम, ऐसा है कि हमारा पूरा परिवार कुछ मतलब क्रिएटिव का सोच रखते हैं, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। जब तक नौकरी की, दिल से नौकरी किया, 58 पूरा होने के बाद, मतलब 2017 में मैं रिटायर हो गया। थोड़ा सा घुमा फिरा, फिर लगा कि ये तो एजेंडा बिना का कुछ ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है, कुछ होना चाहिए। तो क्या करना, तो कुछ अलग करना है, कुछ अलग से जो रास्ता बनाया है उसमें नहीं जाना है, तो अलग रास्ते में जाना चाहते थे। इसलिए पहले और इसमें लॉकडाउन आ गया, सब दूसरा जो इनकम था सब बंद हो गया। मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, जो एक खाखरा का मशीन रखते बनाते हैं खाखरा, मैं उसके पास गया, बोला भैया मेरे पास कुछ हो, साइड इनकम हो, ऐसा कुछ करना है। तो उसने मुझे खाखरा का कंसेप्ट बताया, बोले आप खाखरा डोर टू डोर बेच सकते हो। बस मैं उसका खाखरा लेकर निकल पड़ा, कूड़ासन, सरगासन, गांधीनगर के सभी सेक्टर ऑफिसेस, डॉक्टर लोग, सबको मैं खाखरा खिलाया और मेरा एक मार्केट बनाया। फिर हम दोनों ने सोचकर एक बड़ा साहस किया, हमारे लिए बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि ये 23 लाख का, आई रिपीट दिस अमाउंट, 23 लाख का हमने लोन लिया है। और शांता जी कंपनी है सूरत के पास, जो कीम गांव है, वहाँ की, वहाँ से हमने ये मशीन खरीदा है। मशीन ये पूरा सेटअप हमने बनाया, और पिछली जगह में कहीं दूसरी जगह खाखरा बनता और यहाँ पर बेचता हो, ऐसा नहीं, जहाँ पर बेचना हो वहीं पर ही खाखरा बनवाओ। तो हमने उसको दिया कि लाइव खाखरा बनाओ, फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप किया और आप देख सकते हो कि हमने इस तरह से उसको सजाया है। भरत भाई, आपका कॉन्सेप्ट तो हमें बहुत ही पसंद आया। थैंक यू मैम। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अकेले ही हैंडल करते हैं या आपके परिवार में और भी लोग हैं जो आपके साथ हैं? आप प्लीज हमें ये बताइए। उनसे क्या है कि हमने अलग अलग जिम्मेदारी बांट ली है। मेरा काम है मार्केटिंग का और ये काउंटर संभालने का, और मेरा बेटा है जो तो उसका अपनी स्कूल भी है, लिटल कॉइंस प्री स्कूल, वो चलाता है। लेकिन यहाँ का जो टेक्निकल पार्ट जो है, कभी मशीन बिगड़ जाता है, कभी पट्टा नीचे उतर जाता है, यहाँ का जो हीटिंग का बाबत है, जो भी है, वो सब मेरा बेटा संभालता है। ये जो खाखरा की रेसिपी डेवलप करने का है,
अलग अलग टेस्ट डेवलप करना है, वो सब मेरे जिम्मेदारी मेरे मिसिस की है, वो खुद बताएगी आपको कि खाखरा को हमने इतनी ऊंचाई पर कैसे ले गए। नमस्कार मैडम। नमस्ते हर्षाबेन। हर्षाबेन आप हमें बताइए कि आपने कौन सी रेसिपी डेवलप की है खाखरा में। खाखरे की फ्लेवर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है रेगुलर, उसमें मेथी मसाला जीरा सादा। दूसरा है हेल्थ कॉर्नर, उसके अंदर मग मठ रागी मल्टीग्रेन्स गांठिया फ्लेवर चोड़ा फड़ी फ्लेवर। तीसरा पार्ट है चटपटा, जिसमें हमने पानीपुरी नूडल्स मंचूरियन सेव ममरा चाट मसाला अचार मसाला पाव भाजी चिली गार्लिक पेरी पेरी टेंगी टमेटो वगैरह बनाया है। कुल मिला के हमने 32 फ्लेवर डेवलप की है। क्या बात कर रहे हैं, 32 फ्लेवर के खाखरा। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। और हमारी खासियत ये है कि हमारे सभी खाखरे डाइट फ्रेंडली है। क्या बात है, सोने पे सुहागा। एक तो टेस्ट इतना बेस्ट और उसमें भी डाइट खाखरा, वेरी नाइस वेरी नाइस। भरत भाई क्या हम आपका मशीन देख सकते हैं? हाँ मैडम, मशीन तो देख सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि हाइजीनिक एरिया बनाया है हमने मशीन में, तो आपको पहले तो सॉरी आपको टोपी ओढ़नी पड़ेगी। चलो मैडम मैं आपको टोपी पहना सकता हूँ? जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या है, आपका बाल इतना सुंदर है, लेकिन जो हमारे खाखरे में आएगा ना तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो बोले बाल कहाँ से आया। और थैंक यू मैडम, मैं मेरी मिसेस को भी टोपी पहना देता हूँ, क्योंकि शी इज माई लाइफ पार्टनर एंड हर्षा दवे इज नाउ माई बिजनेस पार्टनर। समझ लो कि वो शी इज हेड ऑफ द शॉप, हम तो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। सॉरी मेरा टोपी गिर गया। आइए मैम, ये खाखरा का फाइनल टच है। हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि खाखरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा ख़त्म होता है। ये हमारा डव मशीन है, जिसमें आटा गूंदा जाता है और सब ऑटोमेटिक है। सभी रेसिपी का मुताबिक यहाँ पर मसाला डालकर पानी डालकर ऑयल डालकर आटा तैयार हो जाता है, और वो आटा तैयार होके फिर यहाँ पर रखे जाते हैं। ये जो आटा खाखरा का स्टार्टिंग है, यहाँ जो एक बिटिया बैठी है वो खाखरा का गुल्ला बना के यहाँ रख। मैडम यहाँ से जो पहले गुल्ला रखते हैं वो आगे बढ़ता है, वहाँ प्रेशर होने के बाद फिर यहाँ आता है, जहाँ इर्द गिर्द का जो ज़्यादा है आटा वो निकाल लेते हैं, फिर खाखरा अंदर चला जाता है। ये जो है खाखरा वहाँ से तैयार होके आधा तैयार होके बाहर आ गया है, खाखरा बाहर आ गया फिर यहाँ रोस्टर में डाले जाते हैं। वो 8 जगह अगर घूमकर फिर खाखरा बाहर आता है, वो तैयार होकर यहाँ पर जमा होता है, फिर वहाँ से हमारा जो पैकिंग हेड है वो आकर यहाँ से खाखरा ले जाता है। आओ भैया, फिर पैकिंग हेड खाखरा ले जाते हैं, फिर वहाँ पर ट्रे में डालकर उसको सूखा ठंडा करते हैं। ठंडा हो करने के बाद उसको पैकिंग करके गनिंग करके उसको तैयार हो जाता है रेक में आने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो कस्टमर भी आ गए हैं, तो रुक जाइए थोड़ी देर, हम लोग कस्टमर के साथ भी बात कर लेते हैं, उनको कैसा लग रहा है लाइव खाखरा का कॉन्सेप्ट और उनका टेस्ट। તમારું નામ શું છે, હું જાણી શકું? હા, શોભનાબેન છે મારું નામ, શોભનાબેન. હા, હું સામે સહજાનંદમાં જ રહું છું. ઓકે. અને જ્યારથી ભરતભાઈ ખાખરાનું ચાલુ કર્યું ત્યારથી અમે, પહેલાં તો ભરતભાઈ અમને ઘરે આપવા આવતા કે કંઈક આપણે ચપણ, અત્યારે બહુ સરસ ભરતભાઈ ખાખરા ચાલે શીખે એટલા અને અમને પસંદ બી એટલા છે, અને અમે અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં બધાને કહી છીએ કે ભાઈ અમારે સામે લાઈવ ખાખરા છે, તમે ચોક્કસ અમારા ભરતભાઈના ખાખરા લેવા આવો. એટલે બધા અમારા ગ્રુપના બહુ સરસ, બધા આપને સરસ જવાબ આપે. આમાં કયો ફ્લેવર છે કે જે તમને ખૂબ જ ભાવે છે? જો મેથીના બી સારા છે, ગાંઠિયાની ફ્લેવર સરસ છે, રાગીના છે, મગના છે, મઠના છે, જીરાના,
પણ બધા કરતા અમને ગાંઠિયા અને મેથીના એ અમે વધારે પસંદ કરીએ છીએ. એટલે ખાસ કર ગુજરાતી અને એમાં પણ જો ગાંઠિયામાં ખાખરા મળી ગયા એટલે તો બહુ સરસ મજા આવે છે. બહુ ફ્લેવર બી આપને એવું જ લાગે કે ખાય ખાખરા અને સ્વાદ ગાંઠિયાનો લઈ. વેરી નાઇસ વેરી નાઇસ, ખૂબ જ સરસ. તો આપણે શોપિંગ કરી લઈએ. તમે શું લેવા આવ્યા છો? પાણીપુરીના ખાખરા. પાણીપુરી ખાખરા તમારા ઘરમાં બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવે છે. બહુ જ ભાવે છે. તમારું નામ જાણી શકું? શ્વેતા. શ્વેતા, ઓકે. શ્વેતાબેન, અહીંયા કંઈક નવી નવી વેરાયટી પણ મને દેખાય છે. હજી તો હું જસ્ટ આવી અને અમે લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, પણ આ વેરાયટી પણ મારે ફ્રેન્ડ્સને બતાડવી છે, હું એમને પણ બતાડી શકું. ફ્રેન્ડ્સ, નાના નાના પેકેટમાં ચિપ્સ ખાખરા, કોઈન ખાખરા જે ખૂબ જ સરસથી પેક થયેલા છે અને મીની છે એટલે છોકરાઓને પણ એટલા જ ભાવશે. બેન, તમે કોઈન ખાખરા લીધા છે, ચિપ્સ ખાખરા, તો આ લેવા બદલ શું તમારો મોટિવેશન છે? આ છોકરીને વધારે ભાવે છે બેન. ઓકે, સારું છે ફ્લેવરને બધી રીતે. એટલે એવું થઈ જાય કે બાળકોને ફ્રાઈડ ચિપ્સ આપીએ એના કરતા ખાખરા વધુ સારા, વધુ હેલ્ધી ઓપ્શન છે. ખૂબ જ સરસ રીતે પેક પણ કરેલા છે, પેકથી સરસ બાળકોને પણ ખૂબ જ એટ્રેક્ટ કરે છે. અને તમારી પાસે ભાખરી, ભાખરી, વાહ, ભાખરી રેડીમેડ, ખૂબ જ સરસ ભાખરી બનાવવાની જપાને. અરે વાહ, છોકરાઓને પણ સારું લાગે એમ કંઈક અલગ. સરસ. મેઇન તો વસ્તુ છે કે આપણે ઘઉંની વસ્તુ આપીએ છીએ. તો બેન, હું તમને એક સવાલ પૂછવા માંગુ કે તમને અહીંયા સૌથી વધારે શું ગમે છે? ટેસ્ટ ને ક્વોલિટી બહુ સારી છે અને અહીંના ખાખરા ખાધા પછી છોકરાઓ બીજી જગ્યાના ખાતા જ નથી એવું છે. ખાખરા ખૂબ જ એમ સરસ ટુકડા ઘઉંના ભરતભાઈ પોતે જાતે લઈ આવીને જ બનાવે છે અને અમારી સામે દોડેલું પણ છે એટલે અમને બધી ક્વોલિટી કેવી છે, ઘઉં કેવા છે, કઈ રીતે બનાવે છે બધું અમે જોયેલું છે એટલે અમે અહીંના ખાખરા વધારે પસંદ કરીએ છીએ. બરાબર છે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, આપ સૌનો આભાર. આવી જ રીતે તમે લોકો આવતા રહ્યો અને ખાખરા ખાતા રહ્યો. ખૂબ જ સરસ ખાખરાનો નવો કોન્સેપ્ટ મને જાણવા મળ્યો છે આજે. તો હું ભરતભાઈ પાસે ફરીથી હું જઈશ. ભરતભાઈ, મેં આપસે પૂછના ચાહતી હું, જૈસે કસ્ટમરને બહોત હી અચ્છે સે સરાહા આપકી ક્વોલિટી કો, તો મેં ક્વોલિટી કે બારે મેં આપકા જાનના ચાહતી હું કે આપ ક્યા યુઝ કરતે હૈ? મેડમ, મેરે ઘર મેં ઓર આપકે ઘર મેં, મતલબ હમ જૈસે મીડિયોકર ફેમિલી છે, ઉસકે ઘર મેં જો 12 મહિને કે લઈએ જો MP શરબતી ટુકડી ગેહું કા સ્ટોક ક્યા જાતા હૈ, વહી ગેહું કા હમ યહાં યુઝ કરતે, વહી ગેહું લેતે ઉસકા કટ્ટા મંગાતે ફિર ઉસકો પિસાતે હૈ ઓર વો જો આટા તૈયાર હોતા ઉસી આટા મેં સે હમ બનાતે, ફિર કોઈ ભી લૂઝ યા ખુલ્લા મસાલા કા ઉપયોગ નહીં કરતે હૈ. બ્રાન્ડેડ મસાલા જૈસે કે અમારે યહાં સત્મમ કંપની હૈ, સત્મમ મસાલા કંપની, ઉસકા બહુ બડા નામ હૈ, વહાં સે મેં કસૂરી મેથી, મસાલા, જીરા વગેરે સબ જો ભી જરૂરિયાત હોતી હૈ સબ યહાં વહાં સે મંગાતા હું. હાલાકિ વો થોડા સા મહેંગા ભી પડતા હૈ, થોડા સા નહીં બહુ મહેંગા પડતા હૈ. હમ સ્ટાન્ડર્ડ મસાલા ઓર MP શરબતી ટુકડી ગેહું કા તો ઉપયોગ કરતે, ઉસકે અલાવા હમ જો ઇસમે જો પાણી ડાલા રહેતા હૈ ને વો પાણી ભી RO કા પાણી યુઝ કરતે, ઓર પાણી ઉબાલ કર ગરમ કરકે ઉસકા યુઝ કરતે હૈ. એ હમારી વિશિષ્ટતા હૈ, હમારા એક ઉદ્દેશ્ય. હમ તો રિટાયર હો ગયે, કુછ ભી ના કરે તો ભી ભગવાન કી કૃપા હૈ, ચલ સકતા હૈ, પેન્શન ભી મિલતા હૈ, એક ફિર બેઠે બેઠે કરે ક્યા, ઇસલિયે હમને સોચા કે કુછ અલગ દેના હૈ, કુછ અચ્છા દેના હૈ, કુછ દિલ સે દેના હૈ, તો હમ દિલ સે દેતે હૈ, દિલ સે બનાતે હૈ, દિલ સે દેતે ઓર દિલ સે સબ લોગ ખાના ખાતે હૈ. બહોત હી અચ્છી બાત હૈ ભરતભાઈ. આપકી યહાં પે, આપકી યહાં પે જો સ્ટાફ હૈ ઉનકા ભી મેં થોડા સા ઇન્ટ્રોડક્શન લેના ચાહતી હું. મેડમ, યે હમારા મટકુ પરિવાર હૈ, સમજ લો કે અમારા હાથ પેર હૈ. યે હૈ મનીષા ઓર એ સુમિતા હૈ, વો દોનો ખાખરા મેકિંગ મેં માન લો કે PhD હો ગયે હૈ. યે હૈ હમારે પારુલ બેન, જો સબ સભી લોગ ઉસકો પ્યાર સે આંટી કહે કે પુકારતે હૈ, વો આંટી
गेहूं का आटा बांधने में उसकी मास्टरी है। और ये हमारा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि दशरथ भाई। दशरथ भाई जो है वो पैकिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। खाखरा खाखरा बनने के बाद भी कोई भी खाखरा ऐसा लगे कि एक थोड़ा सा भी देने जैसा नहीं है तो निकाल देते हैं। जैसे समझ लो कि उसकी आंखें कंप्यूटर है, वो खाखरा को देख के बोलते थे कि दादा ये खाखरा 17 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 21 ग्राम का है, उसका तर्जमे तोलना नहीं पड़ता है। ये सच्ची सही रूप से ये चारों हमारे हाथ पैर है। हम तो मान लो हमने दुकान खोल दी, हमने मार्केट भी बना दिया, लेकिन अगर खाखरा अच्छी तरह से ना बने तो क्या करें। हमारा सच्चा ये खाखरा की एक लाई मटकू लाई खाखरा की दुकान का सच्चा मालिक तो ये चारों है, और अगर ये नहीं आते तो हम रुक जाते। भरत भाई आपने बहुत ही अच्छा काम किया है कि ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति में भी, लॉकडाउन के बाद जहाँ पे बहुत ही कम रोजगार है, तो 4 लोगों को 5 लोगों को आपने रोजगारी दी है। लेकिन भरत भाई एक मेरे मन में सवाल आया है कि अगर किसी को गरम गरम खाखरा चाहिए तो क्या वो आप पार्सल करते हैं, क्या वो आप देते हो? हाँ बिल्कुल दीदी, हम आपको जितना चाहिए इतना खाखरा यहाँ से कुरियर थ्रू भी भेज सकते हैं, लोग यहाँ आके भी ले जा सकते। और ख़ास बात कि कोई बोले कि मुझे 3 किलो मेथी का खाखरा चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, तो हम अगर मिनिमम 3 किलो होना चाहिए, 3 किलो के ऊपर का जो जितना भी हो, मिनिमम हमारा टारगेट है 3 किलो का, तो 3 किलो का मेथी का चाहिए, कोई भी फ्लेवर का चाहिए आपको, हम बना देंगे आप। रही बात रोजगारी की, तो ये जो चार जो है उसको सीधी रोजगारी यहाँ से मिलती है। बाकी बहुत से ऐसी लेडीज़ है, ऐसी बहनें हैं जो यहाँ से थैला भर के ले जाती है और डोर टू डोर बेचकर वो भी इनडायरेक्टली अपना हमारे थ्रू ये कुछ रुपया उसके घर में जाता है। बहुत ही अच्छी बात है ये तो। भरत भाई अभी आप फाइनली एक बार आपकी दुकान का एड्रेस बता दीजिए ताकि जिसे भी मेरे फ्रेंड को यहाँ पे आना हो तो कहाँ से इजी रहेगा, एक बार आपका एड्रेस बता दीजिए। मैडम हमारी दुकान का नाम है मटकू लाइव खाखरा, एड्रेस है दुकान नंबर 23 राधे सिग्नेचर, केपी चश्मा घर के पास में, सरदार चौक, कूड़ासन, गांधीनगर। और हमारा टेलीफोन नंबर है 9824250218। तो फ्रेंड्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये एड्रेस दे देती हूँ, फ़ोन नंबर दे देती हूँ, अगर आप गांधीनगर में हो और आपको मंगवाना है तो होम डिलीवरी भी भरत भाई करते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी और ये आप उनके साथ ही बात कर लीजिए, प्राइसिंग और क्वांटिटी उनके साथ ही बात करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत पसंद आया था इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। मुझे पक्की खातरी है कि आपको भी ऐसे ही पसंद आएगा बिकॉज यहाँ की क्वालिटी और नीटनेस, क्लीननेस और इतना ही अच्छा बिहेवियर उन लोगों का। तो फ्रेंड्स थैंक यू करते हैं भरत भाई और हर्षा बिन का जिन्होंने अपना वक्त हमें दिया। तो थैंक यू भरत भाई। थैंक यू मैडम, यू आर एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू हर्षा बिन। हर्षा बिन आपका जो स्माइलिंग फेस है ना हमें बहुत ही पसंद आया है। तो फ्रेंड्स मैं तो यहाँ से पानीपुरी खाखरा और ऐसे ही बहुत सारे खाखरा घर पे लेके जा रही हूँ और आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। और ऐसे ही और भी कोई जगह मुझे बहुत पसंद आई तो मैं उसका ब्लॉग जरूर बनाऊँगी आपके लिए। थैंक यू, देखते रहिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी।